पहला अध्याय हुआ है, हम लोग पटना में बैठे थे, अगला अभी बेंगलोर में होने वाला है। सर बेंगलुरु में इससे कोई असर पड़ेगा सर? बात सुनिए ना, बेंगलोर में किस चीज़ का असर पड़ेगा? हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं 17 पार्टी के लोग, बात सुनो ना। उनका कहना था तो वो कहते रहे हैं, हम जो कह रहे हैं वो कहेंगे ना, वो उनका कहना वो कहते रहे हैं, क्योंकि वो जा रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं कि मतलब चर्चा इस पर हो, तो इनके पास सफाया होगा। शरद पवार जी मजबूत नेता हैं, ये भतीजा का क्या असर है? सर भतीजा कह रहा है कि आप बूढ़े हो गए हैं, रिटायर हो जाइए। उनको कहने से रिटायर हो जाएंगे? वो बूढ़ा आदमी रिटायर होता है करके, राजनीति में रिटायर नहीं होता है। चलने दीजिए, चल हो गया, चल। सर कर्नाटका असेंबली ने एक बिल पास किया विधायकों को लेकर के, जिसमें कि टोल टैक्स, जो टोल बूथ होता है ना, टोल टैक्स वहाँ पे अलग से उनके लिए लाइन बनेगा, क्या लगता है सर? कहेगा टोल बूथ होता है ना, उसमें अलग से लाइन में वीआईपी लेन के लिए पास हुआ एक बिल, कैसे देखते हैं सर इसको आप कर्नाटका? अब वो अपना प्रयोग कर रहे हैं जी, सरकार बननी है तो सरकार में लोग हैं, इसका जी अनुभव का फायदा लेंगे, अच्छा काम होगा तो हम लोग भी अपनाएंगे। सर तेजस्वी जी के खिलाफ एक सीबीआई ने चार्जशीट दायर किया है, तेजस्वी के खिलाफ आज चार्जशीट नहीं है, तेजस्वी को मोच पे नहीं आया था, तब का केस हम पर है, मुकदमा हम पर है। सर क्या लगता है केस खेत खत्म हो रहा है, समापन की ओर है, तेजस्वी को रिमांडाइज करने का सब साजिश है, इस सब कोई असर पड़ने वाला नहीं है। चलिए सर 2024 में क्या लगता है सर, महागठबंधन की कितनी सीटें आएंगी तकरीबन? मतलब महागठबंधन को कम से कम 300 सीट आएगा, 300 सीट आ जाएगा सर। सर पीएम के चेहरा कौन होंगे सर? आपने उस दिन बोला कि राहुल गांधी के बारे में कि शादी कर लीजिए, क्या वही होंगे पीएम के, पीएम पर उम्मीदवार? शादी करने के बाद अलग है, पीएम बनने का पीएम यो जो भी पीएम हो, बिना पत्नी का नहीं रहना चाहिए प्रधानमंत्री कोठी में। तो क्या लगता है सर राहुल गांधी? प्रधानमंत्री बिना पत्नी के लोग जो रहते हैं प्रधानमंत्री के कोठे में, ये बहुत गलत है जी, ये खत्म करना चाहिए, आज जो भी हो वो पत्नी के साथ रहे। सर मोदी जी कहते हैं कि हम एक भी भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ेंगे, उन्होंने वो भ्रष्टाचारियों के कन्वेनर है, भ्रष्ट लोगों का कन्वेनर है, अभी देखा ना कि जो जिसको करप्ट कहते थे उसी को मंत्री बनाया वहाँ महाराष्ट्र में, ये दुमुहा लोग हैं। न्यूज के प्रायोजक है मेम साहब लेडीज वेयर, एड्रेस सिटी सेंटर नियर ली शोरूम, सुभाष चौक दरभंगा।